ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां सियासत जो है वो बेस्ट टीचर अवार्ड तक आ गई है। आज शिक्षक दिवस है और सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हम शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन इस बात से निराश है कि कर्नाटक में शिक्षकों के सम्मान को लेकर के भी सियासत हो रही है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदपुरा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को टीचर्स डे पर आज बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना था, लेकिन ये अवार्ड उन्हें नहीं मिल सका। वजह यह रही कि कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी SDPI ने स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले शिक्षक को इस सम्मान का हकदार नहीं माना था। कर्नाटक के शिक्षा विभाग ने उडुपी के कॉलेज के प्रिंसिपल को बेस्ट टीचर के रूप में चयन किया था, लेकिन सरकार PFI और SDPI के दबाव में झुक गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल कर्नाटक में दो बेस्ट टीचर्स को शिक्षक सम्मान से सम्मान देने के लिए चयन किया गया था, लेकिन कट्टरपंथियों ने इस पर वीटो लगा दिया और इस कारण JB रामकृष्ण को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य सरकार के ड्रेस कोड का पालन करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल ने चार लड़कियों को स्कूल में कक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी थी हिजाब के साथ में। यह याद होगा आपको 2022 की इस घटना को लेकर तब कर्नाटक में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। सवाल यह है कि माता पिता ने कभी बच्चों को हिजाब पहनाकर स्कूल भेजने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन अचानक इस कॉलेज में PFI समर्थित कुछ छात्रों ने हिजाब पहनने की जिद पकड़ ली थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने कॉलेज के फैसले को सही माना था कि यूनिफॉर्म जो है वो पहनकर बच्चों को आना चाहिए, हिजाब जरूरी नहीं है। SDPI इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अभी इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि कर्नाटक के बॉर्डर इलाके में अचानक हिजाब के मुद्दे को लेकर PFI किसके लिए वोट को गोलबंद करने की सियासत कर रही थी। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक शिक्षक को सम्मान से महरूम करना क्या समाज का अपमान नहीं है? यह पूरे शिक्षा जगत का अपमान नहीं है? राजनीतिक फायदे के लिए अगर कांग्रेस पार्टी एक शिक्षक को बेस्ट टीचर के अवार्ड से अलग कर रही है तो उसे क्या तुष्टीकरण की सियासत नहीं कहा जाएगा? वोट बैंक की सियासत में अगर स्कूल कॉलेज और शिक्षक प्रभावित होंगे फिर शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का भविष्य समझा जा सकता है। और इस पूरे मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का कहना है कि फैसला कमेटी ने लिया है, मामले की जांच की जाएगी। So once we came to know yesterday that this issue was there, so we have withheld for some time, so we'll just clarify that and then go ahead. And no decision has been taken, but it's just withheld for now. I've told them to recheck and then get back to us, because I don't do that. There is a committee for that. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राहुल सिंह काजला जो कि कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ GS प्रशांत जो कि BJP के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। GS प्रशांत जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर ये किस तरह की सियासत है, तुष्टीकरण की सियासत कही जाएगी, जहां पर वोट बैंक की सियासत के आगे अब शिक्षा जगत भी नहीं बचा है और एक शिक्षक का सम्मान भी नहीं बचा है, अगर कर्नाटक की इस पूरी खबर को समझे तो। निखिल ये अफसोसजनक पहलू है, लेकिन ये समझने की जरूरत है, ये भारत में आज शिक्षक दिवस है और हम जैसे तमाम जो भी छात्र रहे हैं वो अपने अपने शिक्षक को आज की तारीख में एक बार प्रणाम तो जरूर करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक दिवस को लाने वाले ही तो कांग्रेस की सरकार में ये शिक्षक दिवस की परंपरा बनी थी, जो गुरु शिष्य परंपरा भारत की है उसके आदर्श को आगे बढ़ाते हुए ये शिक्षक दिवस का टीचर्स डे के नाम से हम राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके नाम से ये शिक्षक दिवस का ये परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन इसी परंपरा में आज कर्नाटक के जो शिक्षा विभाग के तरफ से दो बेस्ट टीचर्स के अवार्ड से जिन टीचर का नाम आया था उसमें JB रामकृष्णन का भी नाम था।
जो उडुपी के कॉलेज की बात आप कर रहे थे, अचानक ये फैसला कहाँ से और ये किस दबाव से ऐसा हुआ कि जो दो बेस्ट टीचर्स थे उसमें जो रामकृष्ण सबसे पहले नंबर के थे उनको अवार्ड देने से उसको कहा गया कि अभी होल्ड पे कर दिया गया है आपका जी। ये होल्ड पे जाने का क्या मतलब है? हाँ। उस कॉलेज में आप ये देखिए कि ये बॉर्डर इलाके का उडुपी जिला का है जो कर्नाटक और केरल से के आसपास का वो पूरा इलाके का इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। और वहाँ शिक्षा को लेके जिस तरह की इस कॉलेज ने अपना एक अद्भुत काम किया था जी। अचानक 2022 में जब अपनी रिपोर्ट बताते हैं उसमें हुआ क्या कि तीन चार लड़कियों ने ये जिद की, उसमें एक आपने देखा होगा एक खुशबू नाम की एक लड़की थी, काफी सोशल मीडिया पे उसका काफी वीडियो भी वायरल हुआ था, उसको क्या क्या नहीं बताया गया जी। वहां ओसामा बिन लादेन तक आ गए थे, इतना वो जो इस तरह का एक माहौल बना, वो एक माहौल एक ध्रुवीकरण करने की एक बॉर्डर इलाके में एक कोशिश थी। हाईकोर्ट ने भी माना कि हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग का ये आदेश है और कॉलेज को इस शिक्षा विभाग के आदेश को मानना है जी। और उसमें वो ड्रेस कोड थी कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम जाएंगे, क्लासरूम अटेंड करेंगे तो वो एक ये होगा उसका एक कॉलेज का अपना एक ड्रेस कोड होगा। लेकिन इसके बावजूद चार लड़कियों की जिद ने इस मामले को ऐसा तूल पकड़ा कि पूरे उडुपी में SFI और पी जो इनके पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है PFI बैंड, जो PFI का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनका पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ऐसा दबदबा था कि उस दबदबे के कारण आप ये देखिए कि मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि आज कर्नाटक के सरकार ने ये दिखा दिया है तुष्टिकरण के लिए कि SDPI जैसे एक छोटी सी पोलिटिकल पार्टी क्या उसका कर्नाटक में इतना बड़ा होल्ड है। एक कट्टरपंथी जो इस्लामिक पार्टी है SDPI उसकी क्या इतनी पकड़ मजबूत है कि जो बेस्ट टीचर कर्नाटक से आए हुए थे टीचर्स अवार्ड के लिए उनको अवार्ड नहीं मिला है, तो ये देश को सोचना पड़ेगा, निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा। इस बहस में राहुल सिंह काजला जी को जोड़ूंगा। राहुल जी, एक आज शिक्षक दिवस है, आप सभी लोगों को उसकी बहुत ढेर सारी बधाइयां। हम सब लोग अपने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ हैं। एक मुझे रहीम का दोहा याद आता है कि रहीमन तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु के रूठने से कहीं भी ठौर नहीं है, यहाँ तक कि हरि भी उसको ठौर नहीं देते। लेकिन ऐसे ही गुरुजन के प्रति असम्मान ये जो कर्नाटक की सरकार ने दिखाया है अवार्ड देने के बाद, तुष्टिकरण की सियासत और जिस तरह से SDPI के सामने झुक गए, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या कॉमेंट करेंगे आप? जी, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। पहली चीज मैं ये साफ कर देना चाहूंगा कि कोई भी अवार्ड खारिज नहीं हुआ है, जैसा कि अभी हमने वीडियो में सुना भी कि अवार्ड को विथहोल्ड किया गया है, जो विरोध किया जा रहा है। हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि SDPI या किसी एक कट्टरपंथी संस्था ने इस अवार्ड का विरोध किया है, पर उसको उसके बाद ही आपने जो वीडियो चलाया है उसमें काफी सारी छात्राएं स्कूल के गेट पर देखी जा रही हैं, जो उस प्रिंसिपल का और उस फैसले का विरोध कर रही थी जो उन्हें स्कूल के अंदर जाने से रोक रहा था। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि प्रिंसिपल साहब ने कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया था, जो कि किसी भी गुरु को नहीं करना चाहिए, किसी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए, तो अवार्ड उन्हें मुझे पूरे भरोसा है कि बेशक मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर अगर किसी भी शिक्षक द्वारा कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है सिर्फ इस आधार पर कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस धर्म से आते हैं, ये मामला तो हाईकोर्ट तक आया था। राहुल जी, आपको याद होगा ये मामला हाईकोर्ट तक आया था। हाईकोर्ट ने कहा था अगर यूनिफॉर्म पहनना ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिफॉर्म पहन कर आना चाहिए और अगर कॉलेज रोकता है तो निश्चित तौर पर ये विद इन इट्स राइट है। तो ये इसमें जो हिजाब को लेकर के पूरी सियासत होगी वो आपको और हमको सबको याद है, उसमें गुरुजी की प्रिंसिपल साहब को दोषी ठहराना ये तो आप भी समझ रहे हैं जी। निखिल जी, पर ऐसा छात्र जीवन में कई बार देखा जाता है कि कई मसलों पर स्कूल में, कॉलेज में या शिक्षकों के बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं खुद छात्र राजनीति से आता हूं, कई बार ऐसा होता है कि छात्रों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में एक बहुत ही तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी स्थिति में एक प्रिंसिपल की ये ड्यूटी बनती है, एक शिक्षक की ये ड्यूटी बनती है कि उस स्थिति को वो सुलझाएं, ना कि छात्रों को स्कूल या कॉलेज से बाहर ताले लगा करके बंद कर दिया जाए। तो अगर ऐसा किया गया था, छात्रों को स्कूल के बाहर सिर्फ इस आधार पर रखा गया था कि उन्होंने क्या कपड़े पहने,
तो मैं नहीं मानता कि ये किसी भी तरीके से उचित है। और विरोध कौन कर रहा है, विरोध किसने किया, ये चीज किसी सूत्र से या किसी मीडिया के सूत्र से अगर हम सामने रखें तो वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है विरोध किसने किया, विरोध कौन कर रहा है, SDPI, PFI, इसमें कहीं ओपन शट है, कहीं इसमें खोजने जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मैं इसमें प्रिंसिपल साहब को तो कम से कम डिफेंड कर ही सकता हूं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूं, जो आपकी बात है वो GS प्रशांत जी उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई फोर्सिबली कॉलेज के अंदर किसी तरह का उपद्रव करना चाहता है तो जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, आप भी जानते हैं, दे हैव फुल राइट्स कि वो किसी भी जो छात्र हैं अगर वो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप होता है, तो वो उसको स्कूल से बाहर कर सकें या उसको अंदर ना आने दें। GS प्रशांत जी, आपको लगता है ये सारा मामला दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ तुष्टिकरण की सियासत है, कहा कुछ भी जाए? निखिल जी, पहला बात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस शिक्षक दिवस के ऊपर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि कांग्रेस के पहला गुरु है SDPI, दूसरा गुरु है PFI, तीसरा शायद हो सकता है कि तालिबान, क्योंकि जो प्रिंसिपल को सम्मान मिल रहा था SDPI कहने के ऊपर कांग्रेस ने अवार्ड को विथहोल्ड कर दिया। उसके बाद कांग्रेस का मिनिस्टर ने जस्टिफिकेशन देता है कि वी विल चेक विद रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट चेक करना है उसको, कि SDPI मिनिस्टर के घर में जाके बोलना है क्या? नहीं, ठीक है, आज इसको अवार्ड दे दो करके साबित होता है कि 70 साल से कांग्रेस जो करके आ रही है ना, तुष्टिकरण, राजकारण, ध्रुवीकरण करके, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण से 70 साल से जो कांग्रेस कर रही है, आज साबित हो गया कि जो SDPI का पॉलिटिकल PFI का पॉलिटिकल आर्म SDPI था, आज नहीं है, कि PFI का पॉलिटिकल आर्म कांग्रेस है, पहला कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस गुरु मानते हैं PFI SDPI को, इसीलिए SDPI विरोध करते ही कांग्रेस सरकार ने अवार्ड वापस ले ली। एक किस तरीका का सियासत कर रहे हैं कांग्रेस इधर, पहला तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब AICC का अध्यक्ष सब उधर भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री है, करप्शन में उप मुख्यमंत्री है, अगर खड़गे जी का भी नाम अभी साइट अलॉटमेंट में आ रहा है, उसके बाद ये डाइवर्ट करने के लिए SDPI के साथ जुड़कर ये तुष्टिकरण का राजनीति कर रही है कांग्रेस। इसके सिवा कांग्रेस का जो प्रवक्ता है वो प्रिंसिपल को ये बोल रहे कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, हाईकोर्ट बोलने के ऊपर जो राहुल गांधी कहते हैं ना संविधान का बुक उठा के, अभी राहुल गांधी को बोलो संविधान में क्या लिखा है, कोर्ट का सम्मान करे कि नहीं करे, हाईकोर्ट का जजमेंट क्या था, हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये हाईकोर्ट का मामला, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। उसके बाद SDPI विरोध करते हैं उसको, कौन एंटी नेशनल है, कौन संविधान के ऊपर बात कर रहा है, SDPI को समर्थन कौन कर रहा है, कांग्रेस, मतलब ये साबित हो गया कि एंटी नेशनल मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब एंटी नेशनल। तो इसीलिए जो भी तुष्टिकरण के जो जो काम करना है कांग्रेस को कर रहा है, वो वोट बैंक राजनीति कर रही है, वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अभी जो करप्शन का मामला है, जो हम 2-3 घंटा बात कर सकते हैं कांग्रेस के करप्शन तुष्टिकरण के बात में, बट ये मामला जो है, ये September 5 शिक्षक दिवस के ऊपर ये नहीं करना चाहिए था कांग्रेस, जो सम्मान मिल रहा था उसको सम्मान देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। राहुल सिंह जी, आपको लगता है कि ये जो है कांग्रेस के लिए कहीं बैकफायर ना करे और कांग्रेस ने इसको समझते हुए ही इसको विदहोल्ड किया है, 5 सितंबर को इस अवार्ड की घोषणा की जानी है और 5 सितंबर को इसको विदहोल्ड कर लिया इसलिए ताकि ये भापते रहेंगे कि किधर तक कहां तक राजनीति जाएगी, उसी हिसाब से इसको आगे पीछे करते रहेंगे, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है ये पूरा मामला बैकफायर करेगा कांग्रेस के लिए? निखिल जी, उसके इस सवाल के जवाब से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत विरोध है आप ऐसे लोगों को अपने शो पर बुला रहे हैं जो एक सांस में कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, और दूसरी सांस में तालिबान को गुरु बता रहे हैं। इनके गुरु होंगे तालिबान और इनके गुरु होंगे वो लोग जो बिल्कुल का बलात्कार करते हैं, जो दंगा करते हैं, जो लोगों के मुंह में पेट्रोल डाल करके आग लगाते हैं, वो आपके गुरु होंगे, हमारे नहीं है। चिन्मयानंद और जैसे लोग आपके गुरु हैं। देखिए 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 देखिए, विषय पर रहिए, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग विषय पर रहें, विषय पर ही रहें, इस विषय पर रहें। जब आज शिक्षक दिवस पर कम से कम दूसरी बातें ना करें। राहुल जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और GS प्रशांत जी से भी कहूंगा कि आज का ये जो विषय है इसी विषय पर अपने आप को सीमित रखें। आप चिंता रखिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।
मुझे नहीं, नहीं, मुझे अपनी ऐसा बात पूरा करने के लिए आप, छोड़ते आपने अपनी क्या सोच दिखा दी। आप एक एक किस चीज का बात कर रहे हो? इसका नाम ले रहे हो, दूसरी सांस की तालिबान का नाम ले रहे हो। अटैक हुआ था बॉम्बे में, अरे आप बॉम्बे में ये मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्या किया आपके प्रधानमंत्री ने? आपकी बारी आए तब बोलिएगा। आपको क्या कहा था? आपकी बारी आए तब बोलिएगा। आपको बिरयानी खिलाना ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं आपकी बारी आए तब बोलिए। निखिल जी आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने पूरी बात मैं राहुल जी आपको और जीएस प्रशांत जी दोनों लोग, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए राहुल जी आप भी और जीएस प्रशांत जी आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं चाहता हूं कि यहां पर विनोद मिश्रा जी को लेकर आएंगे। विनोद मिश्रा जी देखिए आप दोनों हमारे सम्माननीय गेस्ट हैं और हम जिस एजेंडे पे आज बात कर रहे हैं उसको आप एक पॉलिटिकल आप लोग अगर ना बनाए तो शायद बेहतर है, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए ये आप हम आज जब जो शिक्षक दिवस में बैठते हैं तो हम वो एक कृतज्ञता जाहिर करते हैं भारत के गुरु शिष्य परंपरा को। आपके मुझे विरोध आपके उस बयान से है जब आप उस प्रिंसिपल को लेके जो रामकृष्णन प्रिंसिपल है उनको ही आप कटघरे में खड़ा करते हैं। ये आप एक तरह से अपमान करते हैं उस गुरु की और एक शिक्षक की, उस कर परंपरा की और उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसको लेके उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है। अब मैं आपको उसकी राजनीति बताता हूं। SDPI के बगैर आप उस उडुपी के इलाके में, केरल से सटा हुआ जो इलाका है, वहां आप एक म्यूनिसिपल काउंसिलर को भी नहीं जिता सकते हैं। और यही आपकी मजबूरी है कि वहां SDPI और PFI का रिट चलता है, वीटो चलता है, जो प्रशांत जी बता रहे थे। आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है कि केरल से सटे हुए वो जो कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में है उसमें PFI की आपको उसके अलायंस मजबूरी है, आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक शिक्षक की बेस्ट टीचर के अवार्ड को आप होल्ड पे रखते हैं तो भारत के ये शिक्षक का, भारत के गुरु शिष्य परंपरा का ये अपमान है। ठीक आप है। इसको इस पॉलिटिकल तरीके से मत फंसाइए कि प्रशांत जी ने हाँ। तालिबान कहा और ये ठीक कहा। है, बिल्कुल आपने सही है। अपमान किया है उस शिक्षक परंपरा को, उस बेस्ट टीचर को, जो सिर्फ PFI और SDPI के पॉलिटिकल प्रेशर में आप उसको होल्ड पे रख देते ठीक हैं। ठीक है, और जी मैं चाहूंगा कि जब राहुल जी आप अपनी बात का जवाब दें तो इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है। उन्होंने अपने पूरे जो टेन्योर होता है अपना शिक्षक के तौर पर, उन्होंने क्या काम किया है, नीचे से ऊपर तक वो बनाई जाती है और उसके बाद उस हिसाब से अवार्ड जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो ऐसे में सीधे सीधे आकर सवाल उठा देना सचमुच में एक शिक्षक का अपमान है। विनोद जी, मुझे आपकी तो नहीं पर मुझे जिस शिक्षक प्रक्रिया या जो जिन शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया था उन्होंने पहली चीज जो मुझे सिखाई थी वो ये थी कि सवाल के घेरे से कोई भी दूर नहीं होता, संदेह के घेरे से कोई भी दूर नहीं होता। और मैंने किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बात कही कि अगर वो गलत थे, अगर कुछ छात्र सवाल उठा रहे हैं, कुछ छात्राएं सवाल उठा रही हैं और ऐसा पाया जाता है कि वो एक गलत तरीके का काम कर रहे थे, उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया था, तो उनका अवार्ड रुक जाएगा, वरना उनका अवार्ड खारिज नहीं किया गया, उनके अवार्ड को विदहोल्ड किया गया है। वो विदहोल्ड किया हुआ अवार्ड कहने के बाद तो ये फिर देखिए निखिल जी फिर नहीं देखिए देखिए ये जो उन्होंने सवाल दरअसल रेज किया अभी जीएस प्रशांत जी ने, मैं वही कहने वाला था राहुल जी जवाब इस बात पर दीजिए कि ये मैंने कहा ना कि ये पूरी प्रक्रिया होती है। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो नाम भेजते हैं, उनका जो पूरा रिकॉर्ड है शिक्षक का वो भेजा जाता है और उसके हिसाब से शिक्षक को बेस्ट शिक्षक का अवार्ड दिया जाता है। ये नीचे से ऊपर तक जाती है प्रक्रिया, लेकिन अवार्ड तय हो जाने के बाद अगर SDPI के कहने पर वो रोक दिया जाता है, विदहोल्ड कर दिया जाता है, तो सवाल तो यही उठ रहा है राहुल जी। ये आपका मानना है कि SDPI या PFI या किसी और फलाने व्यक्ति के कहने पर इस अवार्ड को कैंसिल या विदहोल्ड किया गया है? मैं तो ये मानता हूँ और जो ऑफिशियल्स भी उन्होंने यही कहा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। और अगर स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ने विरोध तो उनके हिजाब का किया था, जो हिजाब दरअसल पहनकर आना चाहते थे, वो जो पूरी सियासत थी उन्होंने कहा कि नहीं यूनिफॉर्म चलेगा कॉलेज में, जांच होगी। हाँ, तो अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर था और वो इन ऑर्डर सारी चीजें करी गई थी, सही तरीके से सारी चीजें करी गई थी, तो फिर ना उन्हें अवार्ड मिल जाएगा, तो फिर ये मसला ही क्यों है? अच्छा, तो यानी कि आज उनका अवार्ड रोक दिया गया, फिर ये मसला ही क्यों है? कैसी बात कर रहे हैं राहुल जी, कैसी बात कर रहे हैं? आज के दिन अगर उनको अवार्ड मिलना था SDPI के कहने पर, उसको रोक दिया गया, तो ये मसला ही नहीं है। जीएस प्रशांत का रिएक्शन, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी
एक एक कांग्रेस अभी जो एक्सपोज हो गया है, क्योंकि एसडीपीए बोलने के बाद अवार्ड विथहोल्ड होता है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, उसको अवार्ड मिल जाएगा कुछ नहीं तो क्या हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस। उसके बाद जो दो या तीन या चार स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं उसके ऊपर कोई प्रिंसिपल का अवार्ड या सम्मान विथहोल्ड करते हैं क्या? एक साफ साफ साबित होता है कि कांग्रेस और पीएफआई का इतना बॉन्ड है, इतना क्या बोलते हैं उसको, जुड़ के जाता है इलेक्शन में। लास्ट पिछला बार पीएफआई ने बोला था कि हम 100 सीट में एक कैंडिडेट खड़े वाले करने थे, नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को जिताने वाला था करके। पीएफआई और एसडीपीए का स्टैंड बहुत क्लियर है क्योंकि कांग्रेस उसको गुरु मानती है। अब कांग्रेस आके इसको डिफेंड कर रहे कि नहीं नहीं प्रिंसिपल को अवार्ड मिल जाएगा, पहला इस आंसर करो कि क्यों अवार्ड विथहोल्ड किया एसडीपीए कहने के बाद। जो कमिटी में जो लोग थे वो तैयार किया कि रामकृष्ण जी को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना था, एसडीपीए कैसा घुस गया अंदर कि नहीं हमको, हम नहीं मानते कि रामकृष्ण जी को अवार्ड मिलना चाहिए, और कांग्रेस सरकार झुक जाती है क्या एसडीपीए कहने बाद? ठीक है, ये सवाल निश्चित तौर पर उठेगा और ये सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल बिल्कुल जीएस प्रशांत जी आप जो कह रहे हैं ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, और सवाल निश्चित तौर पर ये जब सवाल पूछा जाएगा बहुत सारे लोगों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर दुखी होने का कारण हो सकता है कि किस तरह से शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अपमान है ये निश्चित तौर पर ये पूरी शिक्षक कम्युनिटी और बहुत सारे हम जैसे जो शिष्य हैं, जो छात्र हैं, आप लोग जैसे जो छात्र हैं वो भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो सियासत घुसी हुई है वो निश्चित तौर पर निराश करने वाली है कि कम से कम शिक्षकों के सम्मान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि रहीमन तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, तो गुरु को कुछ और मत बताइए, गुरु का जो दर्जा है उसको ऊपर ही बना रहने दीजिए, इस देश की गुरु शिष्य परंपरा है उसको बना रहने दीजिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, राहुल जी आपका भी शुक्रिया, जीएस प्रशांत जी आपका शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे